हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। ये हो रहा है नाश्ता सुबह का, प्याज की, गोभी की, आलू की पकौड़ी बन चुकी है हरी चटनी के साथ। सब लोग खा रहे हैं और नीचे मेरा रखा हुआ है। मैं रखे अंदर किचन में कुछ लेने गई हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा नाश्ता हो या खाना हो, नीचे बैठ के खाने में जो मज़ा आता है ना, वो मुझे टेबल पे या सोफ़ा पर बैठ के खाने में मज़ा नहीं आता है। और आप लोग देख सकते हैं कांच के पीछे कितना धुआं धुआं सा हो रहा है ना। बहुत अच्छा मौसम है आज और बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं, तो मन किया पकौड़ी बना लूं। और यहाँ पे देखो न्यूज़ चल रही है और मैं ज़मीन में बैठ के खा रही हूँ। ये बोले ऊपर बैठ जाओ, जगह है। मैंने बोला नहीं, मुझे नीचे सुकून मिलता है खाने में। इसमें कितने लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे गाँव के लोग हैं, इनको तो ढंग ही नहीं है, इनको क्या पता डाइनिंग टेबल ये। लेकिन कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दिल की बात बता रही हूँ, मुझे सच में मज़ा आता है नीचे खाने में। हमारी तरह और भी लोग होंगे जिनको नीचे खाने में मज़ा आता होगा, कमेंट करके बताना मुझे। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। मैं ज़्यादा लंबी लंबी नहीं मारूंगी। अच्छा लगता है मुझे नीचे खाने में। दो तीन दिन लगेगा, दो तीन दिन में हो जाएगा पता। शनिवार या मंडे हो जाएगा। जिंदगी के ये हसीन पल। ये है दोपहर के बाद का वीडियो। जब ये खाना खाने गए थे दोपहर में, तो फिर खाना खाने के बाद इनके साथ में भी आ गई कंपनी, क्योंकि मुझे जाना है मेट्रो अपना राशन लेने के लिए, घर का मंथली। वैसे तो हम लोग घर से डायरेक्टली निकल जाते हैं मेट्रो राशन लेने, लेकिन यहाँ पे इसलिए आए। ये बोलने लगे डेढ़ दो घंटे का कंपनी में काम है, मेरी पार्टी आ रही है, अगर टाइम है तो चलो, वरना फिर कभी चलना। तो मैंने बोला इतने दिन से कभी कभी हो ही रहा है, आज मैं निकलूंगी तो निकलूंगी, वेट कर लूँगी, चलेगा। तो मैं ऊपर आ गई जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहीं बैठ गई। इन्होंने नीचे से चाय भेज दी ऊपर, तो मैं ऊपरी पी ली। और दो तीन लोग हैं नीचे बातचीत कर रहे हैं, फिर मैं ऊपरी आ गई। मैंने चलो आंटी लोगों से थोड़ा बात करूँगी ऊपर। आज नहीं है कल जरूर होगा। बिल्कुल घर याद हो क्या? अभी हम लोग आए हैं मेट्रो मंथली राशन लेने के लिए। बारिश है बहुत ज़बरदस्त वाली, बिन चुकी हूँ। पहले कंपनी में बैठ रही दो घंटे, अब मैं आई हूँ यहाँ मेट्रो में, जा रही हूँ ऊपर और मैं पूरी भींग गई हूँ। रिंकोड ने भी नहीं बचा पाया हमें, कहीं रख दूँ? अरे कोई ले जाएगा यार, मैं नहीं रखूँगी, मेरा डिग्गी में डालो। तो भाई मैं नहीं, मेरा कोई चोरी कर लेगा ना यार, रिंकोड है मेरा। वो है ना पहली होगी ना, मेरा झोला पड़ा उसमें डाल दो। मेरे गिरने छत्र सही नहीं चल रहे हैं रिंकोड वाले, इसलिए मैंने बोला मेरा रख दो भाई, अपना ऊपर डाल दो। दस दिन में एक रिंकोड दो छाता टूट चुके हैं, मालूम पड़ा यहाँ से कोई खा ले जाए तो फिर से पनौती लग जाए मेरी लाइफ में। मेरा रिंकोड रख दो भाई, अपना पड़ा रखने दो, बाहर कोई नहीं ले जाएगा, क्योंकि सबके पड़े हैं गाड़ियों के ऊपर, कोई नहीं लेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन कभी कभी जब समय ख़राब होता है ना, क्या चुन्नी दे दो ना मुझे, हाँ कभी कभी जब समय ख़राब होता है ना तो बोल नहीं सकते, कुछ भी उल्टा सीधा होने लगता है लाइफ में। ला तो ना क्यों ले जा रहे, क्या कर नहीं नीचे करूँगी, ऊपर करूँगी। बारिश में भी शॉपिंग करनी चाहिए कभी कभी। बारिश है, कार्ड नहीं मिल रहा, कार्ड ढूंढ रही हूँ मैं। है इसमें क्या? फिर मिल नहीं रहा था कार्ड, पर इसमें कार्ड ढूंढ रही, मिल ही नहीं रहा। बताओ, अच्छा इनके फोन में था तो दिखा दिया। राशन वासन बाद में लूँगी, पहले मैं ऊपर जाके देख आऊँ, कुछ अलग कुछ नया आया हो तो देख लूँ। सबसे पहले ऊपर घूम लूँ, लो या नहीं लो एक बार राउंड मार लेती हूँ, कुछ अलग दिखेगा तो ले लूँगी। सच में बता रही हूँ, हाँ अब जाने वाली तो जाऊँगी ना, कैसे आ जाऊँ? ऊपर आ गई तो आवाज़ दे रहे हैं, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। बारिश में पता है कितना भी मेकअप खोल लो, चेहरा बकवास ही हो जाता है। क्या फ़ायदा रहा लिपस्टिक पाउडर क्रीम लगा के, आई धोलू लग रही हूँ एकदम, ऐसा लग रहा है सो के उठी हूँ, पूरा धुल गया बारिश में, कोई मतलब नहीं रहता है। आ रही बारिश। Thank you.
यार गुस्सा आ रही है, फिर आना पड़ेगा कल। कार्ड ही भूला ही मेट्रो का, याद ही नहीं रहा लाने का। अभी आज थोड़ा बोल लूँगी, फिर एक आध दिन बाद आऊँगी। मंथली महीना ख़त्म होने के पहले आना पड़ेगा, क्योंकि 30 तारीख तक की वो कार्ड का 200 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। 30 तारीख के बाद आएंगे तो 200 रुपये चला जाएगा, लेकिन मैं कार्ड ही लेके नहीं आई हूँ, भूल गई, इसलिए थोड़ा बहुत ले रही हूँ। फिर कल से ला के थोड़ा बहुत और ले जाऊँगी, लेकिन 1000 के नीचे नहीं मिलता है, 1000 के ऊपर लेना पड़ता है। आ जाओ ले लेती हूँ राशन, मिलती हूँ आपको बाद में। गुस्सा बहुत आ रही है खुद पे, क्योंकि मैं कार्ड भूल गई। पत्ता भी ले लेती हूँ, यहाँ से बड़ा वाला आधा किलो का बटर ले लेती हूँ, तो मेरा एक महीना आराम से चल जाता है, सस्ता भी पड़ता है। और जो छोटे छोटे लेते हैं ना 50-60 रुपए के, वो पता भी नहीं चलते, ख़त्म हो जाते हैं। और ये टिक्की का पैकेट ले लिया, जो मैं हर महीने आती हूँ तो लेती ज़रूर हूँ, क्योंकि इसका इंतज़ार मेरे बच्चों को बहुत होता है, क्योंकि ये वाला पैकेट यही मिलता है लोकल मार्केट में। अगर मिलेगा भी तो बहुत छोटा मिलेगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, और महंगा भी पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। और इसमें 30-35 पीस आराम से आ जाते हैं, और आराम से 4-5 लोग पेट भर के नाश्ता कर लेंगे और बच भी जाएंगे इसमें। ये ले लिए मैंने, चना और छोला। चना ज़्यादा लेना है क्या? चना तुम ले लो ना वहाँ से, मैंने ये वाला लिया था। दाल ले लो। ये निकाल लो, कार्टून मैंने इसी में रख दो, इसी में रख दो। आ जाना तुम्हें, बारिश बहुत तेजी से है, राशन तो ले लिया है लेकिन ले जाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। गए हैं बोनी पता लगाने कि शायद बोनी मिल जाए तो उसमें भर लें, बहुत दिक्कत है, बारिश जोर शोर से है। हाँ तो आज जोरदार बारिश हो रही है, देखो कैसे राशन गया है, कैसी बुरी हालत हो रही है। ले लिया राशन लेकिन थक बहुत गए घूम घूम के, उसमें बहुत थकावट होती है। आने का तो बड़ा मज़ा आता है, यहाँ आ जा रही है राशन लेने के लिए, लेकिन जब आती हूँ घूम घूम के थक जाती हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल पम्प पर जाएंगे, पेट्रोल भराएंगे, क्योंकि पहले बोल रहे जाने के लिए तो मैंने मना कर दिया था। अभी हम जाएंगे पेट्रोल पंप पे पहले, फिर जाएंगे घर। कल परसों फिर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कार्ड नहीं था तो 200 रुपये डिस्काउंट मिलता है, वो आज नहीं मिला, वो छोड़ूंगी नहीं मैं, कल पक्का आऊँगी। मत करो शादी, कोई तुमसे कह रहा शादी में ये बोल रहे जिंदगी में सब काम करना पर शादी नहीं करना चाहिए, लेडीज बहुत परेशान करती है पतियों को, पता है भी परेशान करती है बेचारे पतियों को। कोई मत करना शादी, सब कुंवारे रहना, अपने हाथ से बना के खाना। अगर शादी नहीं करते तो मैं रोटी को बना के खिलाता ही बताऊँ। हाँ इनका कहना ये है कि जिंदगी में सब काम करना पर शादी मत करना, मैं इनको बहुत परेशान कर रही हूँ, इन पर अत्याचार कर रही हूँ, देखो राशन भरवा रही हूँ बेचारे। मत करना शादी, अपने हाथ से रोटी बना के खाना। क्या हुआ बताओ बताओ बताओ, बुढ़ापे पे तुम्हारा साथ कौन देता? लटिया लेके चलते थे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे बोल रहे
मैं बुढ़ापे पे शादी करता हूँ। अभी हम लोग रिंगकोट पहन लेते हैं। हाँ मैं पकड़ू, टिक्की मैं पकड़ू। हम अभी खड़े हैं हाईवे के पास और पेट्रोल पंप के पास, ये रहे हैं पेट्रोल भराने। मैं इनको इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। देखो कितनी बारिश हो रही है जोरों शोरों से, बहुत जोर से। जाएगा अब कहाँ जाएगा? दवा लेने बुखार आ रहा है, कॉलेज चालू हो गया है, क्लास भी है। कैसी बुरी हालत हो गई है, बाप रे पूरा तो क्लास में लगा गंदगी। ये पानी टपकेगा बहुत, तो मैं बाथरूम में डाल दूंगी ना, तब तो पक्के हो जाएगा। चलो हाँ प्रिंस, पापा बुला रहे बेटा प्रिंस। आज मैं बहुत ज्यादा भींग चुकी हूँ, दो बार गई हूँ, दोनों बार भींग गई। रेनकोट से पूरा तो नहीं बचता कोई भी, हाँ थोड़ा बहुत बचा हो जाता है। अभी जा रही हूँ फटाफट लगू किचन में, चलो करती हूँ काम, लगती हूँ किचन में, मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। हाँ दोनों बनियान पहने ली वो दाल कम थी, दाल कम थी, दाल चावल मिक्स करके खिचड़ी बना ली, भूख नहीं लगी थी फिर भी खा रहा है। मत खा, मरा कम सही है, तुम ही बनाया करो आगे से खाना, आगे से बनाया करो मेरे किचन से। मैं सबको ठिकाने सही है बनाया करो, अच्छी बात, बहुत अच्छा खाना। मैं खा चुकी यार, सच में मेरा पेट भरा है, मेरा पेट भरा है यार, मैं खा चुकी हूँ। अरे पेट में जगह ही नहीं, मैं कहाँ बांध लूँ। उसका गला कड़वा कड़वा सा हो रहा है, तो कुछ भी नहीं खा रहा है, उसकी वजह से जबरदस्ती खिला रहे हैं उसको। और मैजिंग मैजिंग लग रहे हैं ना पापा बेटे दोनों। चलो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए कि बाय।